हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नेहा बर्तनों की आवाज़ सुन के किचन में जाती है और रश्मि से पूछने लगती है कि क्या बात है, इस समय बर्तनों की उठापटक क्यों कर रही हो, बर्तनों पे क्यों अत्याचार, बर्तनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। तो उसकी बात सुन के रश्मि कहती है कि क्या है तुम्हें जो है हर बात बताऊँ मैं, ज़रूरी है। तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किसने कहा ऐसा, बट जानू तो सही कि प्रॉब्लम क्या है जो तुम इतना भड़की हुई हो। ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो तुम बेवजह इतना तो ना भड़कती। तो कहती है देखो तुम्हें पता है कि मैं बेवजह इतना ना भड़कती, लेकिन उन मैडम को नहीं पता है। उन मैडम को अपनी करनी है, जय के साथ मेरे रिश्ते सुधरें वो ये उम्मीद कर रही हैं। तुम्हें लगता है जय के साथ मेरे रिश्ते सुधरेंगे कभी भी? तो नेहा कहती है वैसे एक बात पूछूं बताओगी? कहती है हाँ पूछो, अगर जय सच में बदल गया हो तो। नेहा तुझे लगता है जय बदलने वालों में से? जय कभी नहीं बदल सकता और किसी के लिए नहीं बदल सकता। वो ऐसा पर्सन है, उसे किसी की नहीं पड़ी। मैं तुझे सच कह रही हूँ, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रही, उसे किसी की भी नहीं पड़ी है, किसी की भी नहीं। वो कभी नहीं बदल सकता है, वो सिर्फ ये सब कुछ कर रहा है जिससे मैं उसे छोड़ ना पाऊँ, कोई मेरे पास कोई रीज़न ना रहे उसे छोड़ने का। अगर क्योंकि अब मैं बीच में उसे जवाब देने लगी थी, अपने लिए लड़ने लगी थी, इसलिए उसको ऐसा लगा था कि कहीं मैं उसके हाथ से ना निकल जाऊं और उसके खिलाफ बगावत ना कर दूं। और सबको अगर मैंने बता दिया कि वो मेरे साथ क्या क्या करता है तो बहुत आसान हो जाएगा उसका मुझे छोड़ना, मतलब मेरा उसे छोड़ना। इसीलिए उसने ये रूप धारण किया है जिससे कल को मैं छोड़ना चाहूँ तो सबके सामने ये कह सके कि किस रीज़न से मैं उसे छोड़ रही हूँ, क्या रीज़न है ऐसा। और तब मैं अगर कुछ कहूँ तो वो कह सके कि मैंने इतने टाइम से कभी कुछ किया है और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये तुझे भी पता है। उसकी ये सारी साजिशें हैं, ये चेहरा सामने आएगा, ज़रूर आएगा। तू मुझसे लिखवा ले इस बात को, जय को मैं कई सालों से जानती हूँ और बहुत अच्छे से मुझे पता है कि वो किस लेवल तक जा सकता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना बदल सकता है और कितना नहीं। सच बता रही हो तू तो मुझ पे भरोसा कर। सृष्टि नहीं समझ रही क्योंकि वो उसका भाई है, तू तो समझ, तू तो जानती है, इतने टाइम से तू देख रही है। कहती है अच्छा ठीक है, ये सारी बातें छोड़, अभी जाके सो जा, सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं और फिर दोपहर को मैं निकल जाऊंगी। कहती एक तो तुझे जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कहती है कि देख जाना तो मुझे पड़ेगा, मेरी जॉब भी है वहाँ और मेरा कॉलेज भी। मैं कॉलेज की छुट्टी तो फिर भी कर लूँ लेकिन जॉब से इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, और मैं फ़ोन पर रहूँगी ना हमेशा, जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी बस एक कॉल,
और मैं तेरे पास ही होंगी हमेशा, सिर्फ एक कॉल, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो रश्मि कहती है ठीक है, बट क्या करूँ मैं ऐसा जो वो मेरे दिल की बात को समझ सके। नेहा कहती है वो समझ रही है तेरे दिल की बात, लेकिन तू उसे भी समझ। उसके लिए ये डिसीजन लेना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, उसका भाई है बीच में। एंड आई एम डैम श्योर अगर तेरी शादी ना हुई होती, उसका भाई बीच में ना होता, तो वो पक्की बात है, पक्की बात है वो अभी तक खुद आगे से तुझे प्रपोज कर चुकी होती। कहती क्या मतलब? कहती है प्यार है उसके दिल में तेरे लिए। कहते चल, कुछ भी बोल रही है? कह रही कुछ भी नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ, देखा है मैंने इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या मिलना है ये बोल के। मैं तो झूठ भी बोल दूँ तो भी मेरे लिए अच्छा है ना, मैं तो अपनी ज़िंदगी से अपने रकीब को अलग करके कब का फेंक चुकी होती। हाँ तो कह रही है मैं झूठ बोल रही हूँ। उसकी बात सुन के रश्मि एक मिनट के लिए उसको देखने लगती है, कहती है आई एम सॉरी। नेहा कहती है इट्स ओके, इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा और सबसे हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चिल करो ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अरे लेकिन क्या, कुछ लेकिन वेकिन नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है ठीक है। तुझे बुरा लगा? नहीं, इतना मत सोच, इतना सोचेगी तो ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। I'm really sorry, मेरे दिल पे मेरा जोर नहीं था, हाँ तेरी सारी बात मुझे समझ में आती है, लेकिन सच में मेरे दिल पे मेरा कोई जोर नहीं था, अगर होता तो ट्रस्ट मी मैं अपना दिल निकाल के तुझे दे देती, सच में तुझे दे देती, तुझसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर मुझे कहाँ ही मिलता। लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ यार, मजबूर हूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। तो कहती है और मुझे जब तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं तो बेवजह इतनी सेंटी हुए जा रही है, मुझे तुझसे सच में कुछ नहीं चाहिए, ये बात तेरे दिमाग में कब घुसेगी? और किस बात को लेके तू इतना गिल्ट फील कर रही है? बात सच है कि तेरे हाथ में नहीं है मुझसे प्यार करना और ना करना, बिल्कुल भी नहीं है। तेरे क्या दुनिया के किसी इंसान के हाथ में नहीं है किसी से प्यार करना और ना करना? तो ये सब सोचना समझना छोड़ दे और अब चल के सो जा। नेहा रश्मि को समझा के ले जाती है और उसे सुलाती है, रश्मि सो जाती है। नेहा रूम से निकल के अपने रूम में जा रही होती है तभी डोरबेल रिंग होती है, जाके वो दरवाज़ा खोलती है तो जय होता है, तो कहता है कि हाय नेहा कैसी हो तुम? तो कहती है ठीक हूँ। कहता है कि रश्मि हाँ वो रूम में सो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है तुम भी सो जाओ, बाय गुड नाइट, ये कह के वो रूम में जाता है। अब नेहा को टेंशन होने लगती है कि आज कहीं कुछ कांड ना हो जाए,
जिससे चीज़ें और ना बिगड़ जाए। वो यही सब सोच के परेशान हो रही होती है। और इधर जय अंदर रूम में पहुंचता है और रश्मि को सोता हुआ देख के उसे उठाने लगता है। कहता है, रश्मि उठो यार, तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो? उठो रश्मि। रश्मि कहती है, प्लीज़ सोने दो ना, सर में दर्द हो रहा है, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। क्या काम करके थक गई हो यार? डेकोरेशन करके थक गई? उसमें भी सबने तुम्हारी हेल्प की है, तुमने अकेले ना थोड़ी ना की थी। उठो यार, मुझे तुमसे बात करनी है, उठो। अरे जो भी बात करनी है सुबह कर लेना प्लीज़। नहीं, अभी करनी है। उठो उठो उठो, जल्दी उठो प्लीज़ यार, जय सोने दो, सच में मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ना उठो, उठो यार, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उठो जल्दी। तो रश्मि आंखें मलते हुए उठती है और कहती है, बोलो क्या है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या तुम्हें ये बात करनी थी? हाँ तो ये बताना था मुझे तुम्हें, ये तो तुमने पहले भी बता दिया है ना। हाँ बता दिया है, लेकिन मुझे फिर बताना है। जब पी रखी है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं पीऊँगा, मैंने आज तक पी है जो अब पीऊँगा। क्या बातें करती हो यार तुम? कब देखा है तुमने मुझे पीते हुए जो इस तरह बोल रही हो? कहती है, तो तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं तुम्हें और क्या कहूँ? हाँ कहता है, किस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं, मुझे भी बता दो, मुझे भी समझ आए कि किस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं। अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? रश्मि कहती है, कुछ गलत नहीं कर रहे महाशय, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, बट फिलहाल मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आई हुई है प्लीज़। तो जय कहता है, बट मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, उसका क्या करूँ? ये प्यार तुम बाद में दिखाना, जितना दिखाने का मन हो उतना दिखाना, बट अभी नहीं, अभी अभी मुझे प्लीज़ सोने दो। नहीं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो चेहरा मेरी आंखों से नहीं उतर रहा है, और मुझे मेरे और प्यार तुम पे सारा लुटा देना है आज। तो कहता है, कहती है कि यार जय, और ये कह के जय रश्मि के नज़दीक आने लगता है, बहुत नज़दीक। अब रश्मि ऑलमोस्ट कांपने लगती है और कहती है, जय प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़ जय। कहता है, आज नहीं, तुम बहुत दिनों से मुझे झांसा दे रही हो, बट आज नहीं प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज आज मत रोको मुझे प्लीज़। रश्मि अब बुरी तरह फंस चुकी होती है, जय ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। तो रश्मि चुपचाप लेट जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं कहती है ना करती है। उसे इस तरह चुपचाप लेटा हुआ देख जय उसके बेहद करीब आने लगता है। तो रश्मि ज़ोर से बेडशीट को पकड़ लेती है उसके छूने से पहले ही। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो रश्मि को इस तरह देख के जय जो है उसके ऊपर से बिल्कुल हट जाता है। कहता है, रश्मि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता,
तुम अपनी मर्ज़ी से तैयार हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ रहने देते हैं। ये कह के वो अलग हट के सो जाता है। रश्मि की जान में लिटरली जान आती है और वो दूसरी तरफ करवट लेके सो जाती है। वो कुछ नहीं कहती, चैन की सांस लेती है और आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हुए सृष्टि और अपने बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और एज यूजुअल उठती है, बच्चों को तैयार करती है, जय का नाश्ता वगैरह तैयार करती है, उसे उठाती है, उसका टिफ़िन वगैरह पैक करती है और सबको घर से भेजती है। इधर सिस्ट्री अभी तक सोई हुई होती है, वो अभी तक नहीं उठी होती। तो रश्मि जो है घड़ी की तरफ देखती है और कहती है आज बहुत टाइम हो गया, अभी तक सृष्टि उठी नहीं, इतना टाइम तो कभी नहीं लगाती उठने में, फिर आज क्या हो गया ऐसा जो अभी तक नहीं उठी। जाके देखूं क्या, ये सोच के वो रश्मि के रूम की तरफ जा रही होती है, तभी सृष्टि के रूम की तरफ जा रही होती है, तभी सृष्टि बाहर आ रही होती है। तो उसे बाहर आता देख रश्मि देखती है तो किचन की तरफ चली जाती है और उसके लिए कॉफ़ी बना के ला के देती है, क्योंकि सृष्टि की आदत होती है सुबह सुबह कॉफ़ी पीने की। वो उसे कॉफ़ी दे देती है और कॉफ़ी दे के वहीं बैठ जाती है चुपचाप साइड में। तो सृष्टि कॉफ़ी पी रही होती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और फिर जाके रेडी होती है। रेडी होके कहती है कि भाभी मैं आज लेट आऊँगी, तो रश्मि बोलती है कि आज लेट आओगी मतलब? हाँ आज मुझे काम ज़्यादा है तो मैं लेट आऊँगी, और शायद ना भी आऊँ तो मेरा इंतज़ार मत करिएगा, बस ये कहना था। अच्छा और इंतज़ार क्यों नहीं करना है, बता तो दिया लेट आऊँगी, और कैसे बताऊँ? तो कहती है कि मैं सोच रही थी कि आज तुम लेट चली जाती तो अच्छा था। लेट मतलब? या तो आज जाओ मत या जाओ तो आज लेट चली जाओ। बट लेट क्यों? वो आज प्रीति और नेहा जा रहे हैं ना, तो उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना है, मैं अकेली जा नहीं सकती हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता, मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, जब भी गई हूँ तुम्हारे साथ गई हूँ, बस इसलिए। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं फोर्स नहीं कर रही तुम्हें। तो बड़ी ही मासूमियत के साथ वो इस बात को बोलती है और बोल के वहाँ से हट जाती है, ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। तो उसको इस तरह देख के सृष्टि को पता नहीं क्या हो जाता है और वो कहती है ठीक है नहीं जा रही हूँ, यहीं घर से काम कर लेती हूँ, छोड़ आते हैं उसको। पक्का? हाँ हाँ पक्का। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत होती तो जाती नहीं ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खाना पीना देख लेती हूँ। तो कब जाना है उसको? वो तो दोपहर को जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अंदर रूम में चली जाती हूँ अपना काम करने, कहती है जी ठीक है। और ये कह के वो बड़ी
सृष्टि तो चली जाती है और रश्मि मन ही मन बहुत खुश होती है कि सृष्टि ने आज बिना किसी नाटक के, बिना किसी चैंचू के उसकी बात मान ली थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।